हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और आज की जो है अपडेट है, इतनी हैवी किस्म की हुई है ना। फ्लफी को हमने नहलाया है और केज में अंदर डाल के जो है ना हमने इसको पानी लगाया है, और इतनी मुश्किल से नहलाया है ना भाई साहब, बता नहीं सकता मैं। इधर मुझे नेल्स लगा दिए हैं, अब इधर देखें हम मुझे नेल्स लगा दिए हैं, बढ़िया गंदी हालत कर दी इधर, कुछ बता नहीं सकते, इतनी गंदी हालत। और इतनी मैली ब्लैक ब्लैक हुई हुई थी। कल जो है उसके बछड़े को नहलाया था मैंने, फ्लफी को जो बच्चा है उसको नहलाया था, आज फ्लफी को नहलाया है। बड़ा गंदा सीन हुआ है आज। ये देखें कैसे इधर गुस्सा हुई हुई है, इधर पानी वानी रखा हुआ है मैंने, अभी थोड़ी सूखेगी फिर इसको ड्राई करेंगे, फिर जाके थोड़ी धूप लगे इसको। अभी थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो इस वजह से जो है इसको ठंड भी लग सकती है, तो इस वजह से अभी इसको इधर रखते हैं। बाकी बड़ी गंदी हालत है, बड़ा थका दिया है मैंने, भाई ने मतलब 2015 ने साथ में जाके नहलाया तभी जाके नहाई है, इतनी गंदी हालत हुई हुई थी। अभी देखें ना कितनी माशाल्लाह प्यारी हो गई है, अभी सूखे फिर जो है और माशाल्लाह प्यारी हो गई, आपको दिखाते हैं सूखने के बाद। यहाँ पे हमारी बकरियाँ खड़ी हुई हैं, एक बांधी हुई है और दाना उठा लेते हैं इधर से, और दूसरी जो है हमारी छोटी बछड़ी वो निकली हुई है। क्या क्या वो हमने गुलेल मंगवाई है, उसके बोल रहा है कि उसके हमने वो बनवाया, ये मिट्टी के गोलियाँ बनाई हैं हमने, वो जो अभी दिखाता हूँ आपको कैसी है हमारी गुलेल जो ली है हमने। हमें गाँव ने बड़ा तंग किया हुआ था एक दो दिन से, यहाँ पे भी बड़े बैठ रहे थे, तो हमने इनको आज भगा दिया यहाँ से। और यहाँ पे हम टर्की को दाना देते हैं, टर्की खा रहा है यहाँ पे दाना अपना, अभी टर्की खाता रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, गीला है ना थोड़ा, सफाई नहीं है बहरहाल, पर गीला है तो उस पर जाते जो है ना उसको अच्छा लगता है। और मार्ग वहाँ खुदाइयाँ कर रहे हैं अपने बैठने के लिए, वाले गए कैसे बैठने की तैयारियाँ हो रही है, मिट्टी ठंडी ठंडी निकाल रहा है उसकी खुदाइयाँ हो रही है। तो अंदर ये हमारे रैबिट सामने बैठे हुए हैं कोने पे, और यहाँ पे हमारी चेरी बैठी हुई है खा पी रही है। और हमने चेरी का बर्तन भी बड़ा ला लिया है अभी तो लेके आए, क्योंकि चेरी अब माशाल्लाह बड़ी होती जा रही है तो उसको खाने में मसला हो रहा है। ये वाला बड़ा टायर वाला हम लेके आए, जैसा चमचम का है वैसा ही इसका भी लेके आए माशाल्लाह, ये भी बड़ी प्यारी सी हो गई है, अब बड़ी हो रही है तो माशाल्लाह प्यारी हो रही है। और कबूतर हमारे आवारा हो चुके हैं, सारा दिन यहीं पे बैठे रहते हैं, उतरते नहीं हैं। और वहाँ हमारी बकरी को पता नहीं क्या हुआ, खुद ब खुद निकली हुई है। ये ऐसा ही चमचम का भी ऐसा ही है, चमचम का थोड़ा बड़ा है उसका थोड़ा छोटा, तो उसको जो हम जिस बर्तन में देते थे पहले वो बर्तन छोटा सा था, तो अभी जो है थोड़ा बड़ा आ चुका है, तो अभी सुकून से खाएगी भी और सही से पेट भर के खा पाएगी। और हमारी वहाँ पे चमचम सामने खड़ी हुई है, वहाँ कईम साथ में बैठा हुआ है उसको चरा रहा है, तो चमचम वहाँ पे चल रही है, थोड़ा घूम फिर लेगी और उसकी बाग भी हो जाएगी और खाना वाना खा लेगी। और खाना तो उसका यहाँ भी पड़ा हुआ है, ताज़ा ताज़ा अभी लेके आए वो भी डालेंगे, अभी वो वहाँ से चरखी आएगी तो फिर वहाँ अब भी डालेंगे। अगर टर्की यहाँ पे खड़ा हुआ है सुकून से, हाँ जो यहाँ पे हमने लेमन का पौधा लगाया था वो भी माशाल्लाह ग्रोथ कर रहा है यहाँ पे। देखें इधर हमने लेमन का पौधा लगाया था, तो अभी तो बाकी ये सफाई होनी है, यहाँ पे हम सब्जियाँ लगाएंगे। अभी माली भाई नहीं मिल रहा कोई अच्छा सा जो उसको सब्जियाँ वगैरह लगानी आती हों, तो अभी वो मिल नहीं रहा। और हमने तो बेल वाले पौधे लगाए थे यहाँ पे गुलाब के, वो भी नहीं हुए। ये तो जल गया थोड़ा थोड़ा, मतलब हो रहा है ये इसका थोड़ा चांसेस हैं होने के, बाकी इस तरफ वाला जो है ना ये बिल्कुल जल चुका है। नहीं कैसे नहीं हो रहा है, अभी वापस से हो रहा है, ये इधर बीच से ग्रीन हो रहा है, सही से हो रहा है, ये भी होने के उसके भी चांसेस हैं। तो बाकी आपको दिखाते हैं आगे, बाकी हमारी मुर्गियाँ वगैरह वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ, अंदर चलते हैं। अभी हम बाहर थे, यहाँ पे हमने पौधे वगैरह देख लिए अपने, और यहाँ पे हमने दूसरे जैक फ्रूट के बीज फेंके हैं यहाँ पे, अब होते हैं नहीं होते इतने ज़्यादा मंगवाए थे हमने केरला से, तो अभी जो है वो हो ही नहीं पा रहे। इधर तो हमने नर्सरी में भी दिए थे वहाँ भी नहीं हुए, अभी यहाँ पर कोशिश करते हैं हो गए तो फिर देखते हैं। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज, और फ्लफी साहिबान हम पे बड़ी गुस्सा हुई हुई है, अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करी। यहाँ पे देखें इधर फ्लफी बैठी हुई है, इसको हम छुकने के लिए छोड़ा हुआ है, खुद ही खुद को सुखा लेगी, साफ़ सुथरा कर लेगी, तो हम इसको फिर निकालेंगे। अभी इसने जो मुझे ये काटा है ना, इतने ज़्यादा नेल्स वगैरह मारे हैं, आपको अभी दिखाता हूँ मैं। इधर देखें यहाँ पे इधर ऐसे ऐसे इसने नेल्स मारे हैं मुझे, बड़ी गंदी हालत की है। और यहाँ पर हमारा मुर्गा घूम रहा है, और मोर तो हमारे यहाँ पर बैठे हुए थे सर, ये देखें इधर मोर भाग गया इधर। अभी यहाँ पर ये हमारा मुर्गा कोटू जो घूम रहा है यहाँ पे, चला जाएगा कितना प्यारा। और इधर पानी ये सारा इनका खुला होता है सारा दिन,
तो यहाँ पे पानी वगैरह पीता रहते हैं सारा दिन सुकून से। और हमारे अभी डक हमने बंद की हुई है, डक के बाहर जाते हैं अंदर देखते हैं क्या है उनके। यहाँ पे कबूतर बैठे हुए हैं ऊपर, अभी देखिए सारी मुर्गियाँ मुर्गे डक्स को हमने यहाँ पे बंद किया हुआ है। देखें इसके पीछे पीछे बैठे हुए हैं डक्स, उनको हम वहाँ पे बंद किया हुआ है क्योंकि ये सारा दिन हमारी मुर्गी को भी मारते हैं। और यहाँ पे हमने वहाँ पे डक्स को हमने अंडे पर बिठाया हुआ है, उसको मैंने फुल ढक दिया था जिससे किसी को नज़र ना आए। इधर इधर ये डक हमारी बैठी हुई है अंडों पर, ये देखिए गुस्सा करेगी अभी। अभी इसने माशाल्लाह अंडे दिए हुए हैं, यहाँ पे अंडों पे बैठेगी तो बच्चे पे अच्छे निकालेगी प्यारे प्यारे, वो भी हम देखेंगे। बाकी फ्लफी का बच्चा पता नहीं कहाँ है, अभी इसको ना ढूंढते हैं कहाँ पे होगा, इधर ही होगा। तो बड़ी गर्मी हो रही है आज, इतनी गर्मी हो रही है कि भाई बस तो भाई। यहाँ पर पंखा लगा हुआ है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हवा मिल रही है, सुकून मिल रहा है यहाँ पर। भाई कचरे को आपने इग्नोर करना है, अब इंशाल्लाह ये कचरा भी इधर से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हमने इधर से कर लिया। तो अभी जो है ये हमारा स्टोर रूम है, वैसे इधर कचरा ये फालतू सामान सारा पड़ा होता है, तो अब इसको थोड़ा हटाएंगे यहाँ पे, जैसे ये सही साफ सुथरा हो जाए, पूरा सेटअप सही से बनाएंगे यहाँ पे। और ये मैडम साहब फुल गुस्सा हुई हुई है, और यहाँ पे जो हमारे पौधे थे ये तो पूरे जल गए, इनको कोई बचत नहीं है। अब थोड़ी देर इसको छोड़ते हैं, अभी भी थोड़ा थोड़ा काँप रही है, तो उसके बाद थोड़ी छाँव आ जाएगी, थोड़ी सूख जाएगी, फिर इसको कंघी वंघी करके फुल प्यार से अच्छी भी प्यार से बना के आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। अभी जो थोड़ा सूख ले फिर इसको थोड़ा रिलैक्स भी हो, अब गुस्सा भी करिए बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा रिलैक्स हो तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। फ्लफी का बर्तन उठा लिया हमने, साफ़ सुथरा करके धो के बिल्कुल फ्रेश फ्रेश कर दिया। इसको इधर रखते हैं और जो है फीड उठाते हैं, फीड इसमें डाल दें, फीड भी ख़त्म होने को आ गई है, तो फिर अभी वो फीड डाल के देते हैं। फ्लफी का बच्चा पता नहीं कहाँ है, इसको इधर रखते हैं अभी और फीड उठा कर चलते हैं। ये कैट फीड खाती है और कुछ भी नहीं खाती, फ्लफी के पास जाते हैं। मैंने इसको अभी अंदर रखा है क्योंकि यहाँ पे सही रहेगी, अंदर साफ सुथरी मेर मिट्टी नहीं होगी ज़्यादा साफ। अभी इधर आ जाओ, आ गई फ्लफी, भूख लगी थी बेचारी को बहुत ज़्यादा, नहाने के बाद वैसे ही भूख लगती है, मुझसे प्यार करती है, पर कर रही है, कह रही है कि बड़ा गलत काम किया है, पर प्यार तो वो ही रहेगा। माशाल्लाह आप खा रही है सही से, अभी इसको खाने देते हैं फिर इसको देखते हैं। अभी हमारे चमचम यहाँ पे खाना खा रही है, और यहाँ पे कांओं ने बड़ा तंग किया हुआ है, बड़ा ये कहाँ कहाँ कर रहे हैं पता नहीं, क्या मसला है इन्होंने, बड़ा मज़ा तंग कर मतलब फुल तंग करके रखा हुआ है ना इनको, हमने गिलोल से इनको डराया है पर ये कर ही नहीं रहे, फिर भी इनको लड़ाई लड़ाई करनी। अभी इनके बच्चे सामने मुझे नज़र आ रहे हैं, ये भी कांओं कांओं कर रहे हैं, हम भाई कुछ नहीं कर रहे, हम अपनी चमचम को चराने आए हैं, यहाँ पे ये चर रही है, घूम रही है, खा रही है। तो अभी इसको जो है ना ठंड में बड़ा मसला हो चुका है, वो देखा ना ठंड एक फट चुका है, उसमें वो मक्खियाँ बैठी हुई हैं। अभी यहाँ पे हमने जो है वहाँ पे मकई हो गई है, और वहाँ पे मकई होगी, और यहाँ पे हमने पानी ठा दिया हुआ है, अभी थोड़ा खुश को फिर इसमें बीज फेंकेंगे तो फिर दूसरा कोई बकरियों के लिए वहाँ पर उगाएँगे। अभी जो है यहाँ पर जो हमने ट्रैक्टर वगैरह लगवा चुका है, अब पानी आ भी चुका तो पानी भी लगाएंगे, अब बीज भी लेके इसमें डालते हैं, और उसमें भी पानी छोड़ना है, अब थोड़ी थोड़ी निकल आ रही है, वो भी जो है थोड़ी थोड़ी निकल आई है, तो अभी इसमें भी पानी छोड़ेंगे फिर जो है सही रहेगा। अब ये तेरी सामने भागती हुई आ रही है, इसको अभी चढ़ने के लिए हम पे देखते हैं यहाँ पर इसको चढ़ने के लिए, और वहाँ पर मार्क निकला आ रहा है बाहर कि कहाँ ले कर जा रहे हो इसको। और यहाँ पे चेरी को अभी चराने के लिए चल रही है माशाल्लाह, यहाँ पे अभी इसको इधर इधर लेके जाओ, और मार्क इनके साथ ही जाएगा, मार्क की इसकी दोस्ती है इसके साथ, चेरी के साथ ये घूमता फिरता रहता है, तो मार्क और चेरी की बड़ी दोस्ती लगी हुई है, ये रात को भी इसको खोलते हैं तो मार्क उसको तंग करने में लगा रहता है। तो अभी माशाल्लाह से यहाँ पे हम पूरा घास वास उगाएंगे अपनी गायें और बकरियों के लिए, इधर से ही काट के दिए यहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा अपना ताज़ा होगा, और वो बाहर से जो मिलता है कभी ख़राब कभी सही कभी कुछ, तो अभी इसका मसला होता है। अभी जो है यहाँ पे कांओं ने तो बड़ा तंग किया हुआ है, कहाँ कहाँ कर रहे हैं,
तो अभी जो है फ्लफी को देखते हैं जाके क्या कर रही है। आज बहुत टाइम के बाद ये जो है हमें इसका बेल्ट मिला है, फ्लफी का थोड़ा ख़राब हो चुका है पर इसको अब पहनाएंगे। अभी देखते हैं कैसी लगती है, प्यारी लगती है, इसको पकड़ के मैं पहनाता हूँ। फ्लफी को माशाल्लाह इधर से हमने बेल्ट पहना के बाहर लेके आए, देखते हैं कैसी लगती है माशाल्लाह। अभी बहुत दिनों के बाद जो है हम फ्लफी को बाहर लेके आए, देखते हैं कैसी। अभी बेल्ट की इसकी आदत थी पहले भी पर हम बहुत टाइम से नहीं पहना रहे थे क्योंकि ज़रूरत नहीं हो रही थी इतनी महसूस। अब ये खुद खाएँ, इधर घास वास खाएगी, इसका जो मादा वादा ख़राब होगा बिल्कुल सही हो जाएगी। इनकी मतलब डाइजेस्ट सिस्टम कोई मसला होता है, फिर ये घास खाती हैं तो सही हो जाती है। अभी इसको घास खिलाते हैं, बाहर चराते हैं बकरियों की तरह इसको। हम देखें कैसे कैसे जा रही है, घूम रही है खुद ब खुद ही, हवा अब बैठ गई है। पता नहीं कहाँ जाने की कोशिश कर रही है पर माशाल्लाह से अब जो है बहुत प्यारी लग रही है। आपने भी ज़रूर कमेंट करके बताना है कि हमारी फ्लफी अब कैसी लग रही है। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह वाइट वाइट और प्यारी प्यारी सी हो गई है, देख सकते हैं हम बिल्कुल प्यारी प्यारी सी। फ्लफी जो हमारे टर्की के साथ देख रही थी, अभी बुलाते हैं मार्क को। मार्क के साथ, मार्क इसको देख के ही चला गया, पता नहीं इसको भी जेलस हो गई, पता नहीं कि किसको घुमा रहा है। अभी ये वापस घर जाने की कोशिश कर रही है। इधर आ जाओ फ्लफी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। फ्लफी यहाँ पे बैठी हुई है और मार्क को बुला रहे हैं, मार्क पता नहीं आ ही नहीं रहा, उसको पता नहीं जेलस हो रही है कोई कुछ चीज़ हो रही है। इधर आ जाओ मार्क, नहीं आ रहा, वहाँ कोने में खड़ा हुआ आ नहीं रहा, बस फ्लफी से डर रहा है, पता नहीं कौन सा शेर आ गया वाइट कलर का। फ्लफी माशाल्लाह ऐसी ही लगती है ना हमारी शेर की तरह। मार्क की और हमारी अपनी फ्लफी की दोस्ती कराते हैं पर ये जो है एक दूसरे के साथ, फ्लफी फुल गुस्सा हो रही है, फिर एक लड़ाई होगी। अब आ जाओ मार्क, देखो कैसे घुरा रही है। अभी मार्क इससे डर रहा है, वो उस पर लड़ाई करने को आ रही है। ये देखें बिल्कुल कैसे डरे डरे लगे हुए हैं। आ जाओ मार्क, आ जाओ, आ जाओ मार्क। भाई बिल्कुल आ ही नहीं रहा ना, उसको डर लग रहा है। फ्लफी देखो फुल गुस्से में हुई हुई है। फ्लफी फ्लफी को मेरे पास, मुझे डाने में ही डर लग रहा है फ्लफी के पास। मार्क को इधर किसी बात जगह पर अभी बांधते हैं, फिर फ्लफी के पास जाते हैं, उसको ले कर आते हैं, बस देखते हैं क्या उसके रिएक्शन होते हैं। अभी इसको मार्क को इधर बांधते हैं, उधर बांध दिया मार्क को, अभी देखते हैं क्या होता है। आते हैं फ्लफी के पास, फ्लफी तो घास खाने में मसरूफ लगी पड़ी है। देखो फ्लफी आ जाओ, फ्लफी आ जाओ, फ्लफी भी नहीं आ रही भाई। मार्क सामने बैठा, फ्लफी यहाँ पे बैठी है, इसको आने का दिल ही नहीं कर रहा। फ्लफी जा रही है उसके पास, खुद ब खुद जा रही है, नहीं फुल शिकार के मूड में। पर ये शिकार तो अब कर तो नहीं रही, अब ऐसे खाने खाने में स्लो स्लो जा रही है खुद ब खुद। वो डर रहा है बेचारा मार्क। भाई मार्क तो फुल नॉन लिफ्ट ऐसा ही, लड़ाई वड़ाई भी कुछ नहीं रही। फ्लफी खामा खामा गुस्सा कर रही है पर गुस्सा भी इतना नॉर्मल ही कर रही है, इतना कर नहीं। और ये यहाँ पे आ चुका है, पता नहीं इसके साथ क्या मसला है। फ्लफी देखें कैसे पीछे पीछे हट रही है, उसको लग रहा है कि वो मुझे काटेगा या कुछ करेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं, मार्क किसी को कुछ नहीं कहता। अभी फ्लफी ने यहाँ पे बिल्ली दूसरी जंगली देख दी है, इसको टेंशन शुरू हो गई है। अभी इसको घर लेके जाते हैं वापस, नहीं तो ये फिर से इधर लड़ाई वड़ाई हो जाएगी। इसको अभी घर लेके जाते हैं, चलो फ्लफी चलो, आ जाओ आ जाओ घर चलते हैं। नहीं चलना भाई, फुल लेट ही हुई है, इसको उठा के ही लेके जाना पड़ेगा। चलो भाई इसको उठा के, अभी इसको उठा के लेके जाते हैं घर पे। और ये सुकून से बैठे कि इसका बच्चे को और बड़ा टेंशन शुरू हुई होगी, तो उसको भी ले, उसको भी दिखाते हैं अपनी अम्मा। माशाल्लाह से आपने कमेंट करके बताना है कैसी हो गई हमारी फ्लफी। आप यार इसको देखो, मैंने कल नहलाया था, इसकी ये हालत हो चुकी है। अभी देखिए बिल्कुल मेला मेला काला कलूला हो गया, ये देखें कैसे हो गया है। अभी देखो कल इसको इतना प्यारा करके इतना नहलाया, फिर इसने काला काला कर दिया सारा।
पता नहीं क्या मसला है इनके साथ, बार बार काला काला कर देते हैं। अभी इसको अपनी अम्मा से मिलाने लेके आया हूँ। फ्लफी को अभी इधर ही बांधा है मैंने, तो अभी ये देखें फ्लफी माजरा इधर बंधी हुई है हमने, तो ये इधर बैठी है। मैंने कहा इसको अपने बच्चे से मिलाते हैं, पर कोई टेंशन ही नहीं। इनका मतलब पता नहीं क्या मसला है, बार बार जाके अपने आप को काला कर देती हैं, फिर मसला हो जाता है। तो आज के व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आपने ज़रूर बताना है कमेंट करके कि हमारी बिल्ली आपको कैसी लगी फ्लफी। तो आपने दुआ करनी है और लाइक और सपोर्ट ज़रूर करना है, तो और सब्सक्राइब तो लाजमी करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, तो और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहें। अल्लाह हाफिज़।